मुझे ये नहीं पता कि नंबर बांट कौन रहा है, ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आप करो कर। अच्छा हाँ, नंबर नंबर मेरा बटा हुआ है, मुझे पता नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा। तो बस दर्शकों को लगेगा कि इसमें कॉफी है। हाँ लगेगा, कोला कोला डली हुई है, ब्लैक। ये रोल हो रहा था ना, बताओ सर कैसे लग रहा है आपको? एक तो हमने आपको आधी रात को बुला लिया है, क्योंकि हमें पता ही था कि दिन में तो आप अवेलेबल होंगे और मिलोगे नहीं, है ना? तो आधी रात का वक्त है, 1:30 बज रहा है रात का, और हाईजैक हो चुका है शो आपका। कैसा महसूस कर रहे हो आप? कभी कभार क्या है, दिन में काम करके मेंटली रात को फ्री अब होते हैं कि अब कोई भी इंटरेक्ट कर सके ऑडियंस को के साथ, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक मजा आ रहा है, और ऊपर से ये कैफीन लोड कर दिए तूने इतनी सारी मेरे में। सर हम चलते ही कैफीन थे, क्या करें, कैफीन के बिना तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। लुकिंग शार्प शर्मा जी, थैंक यू। एम आई लुकिंग गुड? यस, फैंटास्टिक, थैंक यू। रोलिंग साउंड और टेक कोऑर्डिनेशन भी रख लिया करो कभी, फॉर गॉड सेक, हर बार एक ही। रोलिंग रोलिंग, हां जी रोलिंग साउंड एंड एक्शन। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ओजस्वी। तो सर शो पे आपका स्वागत है, आज का जो शो है वो कुछ खास होने वाला है। वो मुझे दिख ही रहा है, तुमने इतना बजट लगा दिया है, इतने माइक लगा दिए, इतने कैमरे लगा दिए हैं, इधर माइक उधर माइक, हमें भी माइक लगा दिया है, और कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या लगाया है, बोलो। सर बहुत कुछ लगाया हुआ है हमने, और हमने खास ये किया है कि हमने ना आज अंदरूनी सूत्र अपने निकाले हैं। हाँ। और हमने आपका शो ना आज हाईजैक कर लिया। तो ये क्रू कार्ड है जी, मैं देख रहा था जब से आते ही ना कि टेबल पे पड़ा है, ये तुम लोगों को भी मिलेगा ये कुछ ऐसा? हमने हाईजैक कर लिया ना, तो आज भाई शो जो है वो मेरा होने वाला है। इंट्रो भी मेरा ही बनेगा, बीटीएस भी मेरा ही बनेगा, और मीम भी नहीं, मीम मत बनाना मेरे, मीम इसके बहुत बनेंगे मुझे लग रहा है। मीम मत बनाना, कट कर दो ये वाला पार्ट, कट कर दो, मीम ही बनाएंगे कोई। पहले तुम बताओ कि तुम्हें शो पे आके कैसा लग रहा है? कैमरे कैमरे हैं तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, एक नया अनुभव है यहाँ पे, मजा आ रहा है काफी। आप बताओ सर, आज तो हमारा शो है, तो आपको कैसा लग रहा है शो पे आके? ऐसा लग रहा है अपने घर बड़े दिनों बाद आए हैं और आपसे ही पूछा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सर शो की, सवालों की बौछारें होने वाली हैं। मैं तैयार हूँ। आजकल आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ सर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे आपकी स्टोरीज आ रही हैं, चाय और कॉफी की बहुत स्टोरीज आ रही हैं। तो पहले तो ये पूछना चाहेंगे सर, इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जब हमारे अपने मग्स है तो मुझे इसमें क्यों चाय पिला, कॉफी पिलाई जा रही है? नहीं एक्चुअली डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पर डिपेंड करता है, सुबह उठ के उठने के टाइम अलग कॉफी, प्री वर्कआउट अलग कॉफी, और दिन में काम करते टाइम चाय, ठीक है, और रात को सेटल करते टाइम चाय। तो मूड पे बहुत डिपेंड करता है कि मेरा क्या पीने का मन है। ब्लैक कॉफी इज वन ऑफ आवर फेवरेट, अल्टीमेट, मजा आता है। वाह वाह, दैट इज गुड। तो ऐसे सर बहुत सारे सवाल भी आते होंगे आपको डे टू डे, है ना? तो कोई ऐसा सवाल बताओ जो आपको बहुत ज्यादा यू नो इरिटेट करता हो, और आपको लगता हो कि लोग ऐसा पूछते ही क्यों हैं? सवाल तो बहुत आते हैं, मतलब एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, मतलब सवाल नहीं वो, मतलब जब लोग आपको मिलते हैं ना, मैं हाल ही में पिछले साल में बहुत लोगों से मिला, तो लोग आपकी फिल्में देखते हैं और देखते हैं, पर कभी कभार फिल्म पहुंच जाती है, ये नहीं पता होता कि वो आपने बनाई है, तो ना उनको समझ में नहीं आता कि वो कॉम्प्लीमेंट कैसे करें। मतलब समटाइम्स वो बोलते हैं कि आपकी फिल्म देखी बड़ी प्रोफेशनल थी, अब उसका क्या जवाब दें, मतलब कि बड़ी प्रोफेशनल फिल्म है। मैंने कहा आप किसी शेफ को भी बोल दिया करो कि आपने खाना बड़ा प्रोफेशनल, मैंने किसी मोची को भी बोल दिया करो आपने बड़े प्रोफेशनली जूते सिले हैं। अब पहले मैं बड़ा इरिटेट हो जाता था कि
प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग क्या होता है, मतलब मेरा प्रोफेशन है, सबका प्रोफेशन है ना, तो प्रोफेशनली काम करेंगे right. और पहले मैं इरिटेट होता था, अब मैं स्माइल करता हूँ बस. तो मतलब हम ये कह सकते हैं यूज्ड टू हो चुके आप इस क्वेश्चन के, है ना. मतलब आई रियलाइज कि उनका एक वे है, उनको उस तरीके से शायद नहीं कह पाते, बट okay. मुझे लगता है कि ठीक है, आप कह भी रहे हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो मेरे को अब अच्छा लगता है. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियस सवाल है. सवाल ये कि मैंने एक्चुअली आपके मूवी के पोस्टर चेक कर रहा था, मैंने काफ़ी मूवीज़ के देखे, ज़ुबान का पोस्टर देखा, स्कार्स का देखा, एडमिटेड का देखा, तो उन सब में एक चीज़ मुझे कॉमन लगी कि जब अवार्ड्स आते हैं तो उनके लिए स्पेस होती है. तो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो एडमिटेड को अकेला 14 अवार्ड्स मिले हुए हैं, है ना. तो जब आप पोस्टर बनाते हो, क्या आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि अवार्ड्स आएंगे तो यहाँ लगाएंगे तो जगह छोड़ेंगे, या ये कुदरती हो जाता है? नहीं नहीं, हो तो कुदरती होता है, ऐसा कुछ प्लान नहीं होता. बट ये कि पोस्टर बनाने के लिए एक पोस्टर को शूट करने का प्रोसेस ही डिफरेंट होता है okay. या हमें कुछ रशेस निकालने पड़ते हैं फिल्म में से, कि जो हमें लगता है कि हाँ ये एक आइडल एक इमेज है जो पूरी फिल्म को का एक एसेंस है वो शो कर सके. मे बी वी हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट केस, तो इतने जो अप्रिसिएशन मिलता है अवार्ड्स के थ्रू उसमें भी, और फिर उनको लगाने की जगह बन जाती है, अब वो तो फिर पोस्टर नया बन जाएगा, तो उसमें क्या है. हाँ सर, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा आप काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी लोग भी आपको फॉलो करते हैं, आपकी स्टोरीज भी आती रहती हैं टाइम टू टाइम. तो आपको कहीं तरह के डीएम्स भी आते होंगे कि मुझे स्टार बना दो, मुझे कास्ट कर लो, हमारे पास ऑल दो प्रूफ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा. तो इन तरह के मैसेजेस को आप कैसे हैंडल करते हो, और किस चीज़ से रिलेटेड मैसेज आपको सबसे ज़्यादा आते हैं आपके? बोला ना कि आप इतने एक्टिव हो और इतने लोग आपको फॉलो कर रही हैं, सुन के ना मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि मुझे पंप दे रहा है. पहले तो हमें एक ही रास्ता पता होता था कि अगर हमें किसी के साथ काम करना है तो भाई उनके ऑफिस चले जाओ, उनका एड्रेस मतलब पता कर लेते थे, डायरेक्टरी वगैरह छपती थी वहाँ चले गए, फिर ऑफिस का फ़ोन नंबर था या अपॉइंटमेंट लेके चले जाओ, या ईमेल जब शुरू हुई तो फिर ईमेल लिख के बात करते रहो कि भी कैसे है. अब आज की डेट में सोशल मीडिया हैंडल्स आ गए हैं, तो एक्सेस करना और लिखना एटलीस्ट सामने वाला पढ़े या ना पढ़े अपने हाथ में आ गया कि एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से मैसेज भेज दिया, तो वही सारे लोग करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग करते हैं. मतलब आप एक्ट्रेस के लिए या जो नए लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, जितने भी अलग अलग इतने सेट पे लोग काम करते हैं, तो वो लोग आप डायरेक्टली लिखते हैं और मतलब पूछते हैं कि सर कोई अपॉर्चुनिटी है तो है. आई थिंक हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि नए नए लोग लिख रहे हैं, और ये जान के मुझे बेहद खुशी होती है ना कि अगर वो लिख रहे हैं कि शायद कोई हमारा काम मतलब हमारी फिल्में अच्छी लग रही उन्हें, तभी लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. अजीब ढंग हर तरीके के सवाल पूछते हैं वो, बट जिन लोगों के जायज सवाल लगते हैं मुझे लगता है कि मैं काबिल हूं उनका जवाब देने के लिए, तो मैं देता हूं. व्हाट्सएप पे भी सवाल आ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका नंबर कभी बटा है क्या? नहीं, एक्चुअली एक नंबर है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे रजिस्टर करने के लिए लगता है. बिल्कुल, तो वो नंबर है वो लोग निकाल लेते हैं. एक आध बार किसी फिल्म में यूज हो गया था नंबर, तो फिर वो पता लगा, तब से थोड़ा सा ध्यान बरत लिया हमने कि हाँ बचा के रखना. बट वो नंबर है, ऑफिस का एक्टिवेटेड नंबर है, तो लोग उसमें मैसेज करते हैं. बिल्कुल हाँ, पढ़ते हैं. तो अगले सवाल पूरी, पूरी रिसर्च करके लाया, ये कौन है ये अंदर के भेदी, ये कहां से निकाल के ये सर सारे भेदी यही मौजूद हैं, कोई कबूलेगा नहीं ना कि मैंने बताया. ये सवाल मैं पूछना चाहते हैं सर, जो आपने अभी तक मूवीज बनाई हैं उनमें से अगर कोई मूवी को रीमेक करना है या दोबारा बनाने का आपको चांस मिले या बनाना चाहें तो कौन सी वो मूवी होगी? और सवाल पूछने वालों ने ना कुछ ऑप्शंस दिए चूज करने के लिए, तो मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देता हूँ, देन आप चूज कर सकते हैं उसमें से. आपके ऑप्शंस हैं एडमिटेड, जुबान, बदलती सोच, 84, स्कार्स, लकी कबूतर या फिर द लास्ट डे. यार पहली बनाने में एड़ी चोटी का जोर लग गया सारी फिल्म. एडमिटेड नहीं बना सकते दोबारा, एडमिटेड का नया पहलू बनाऊंगा शायद, और जुबान नहीं बना सकते. एक्चुअली जो पहले दौर की फिल्में होती है ना, जो बहुत एक संघर्ष के बाद बनती हैं, उन्हें दोबारा बनाने का कभी भी ना मैं नहीं कर सकता. मतलब वो एक लेवल के, लकी कबूतर ही इनमें से एक हटके फिल्म थी जो कि एक कॉमेडी थी. अगर बनानी पड़े मुझे ही दोबारा बनानी पड़े तो वही मैं दोबारा बनाने की अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं कॉमेडी की, इम्प्रोवाइजेशन है, और टाइमिंग चेंज कर सकते हो आप, लोकेशन चेंज कर सकते हो, चीज़ें बाकी फिल्मों के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो सेफेस्ट बेट यही है. अगला सवाल जो इससे रिलेटेड ही है,
वो एज अ व्यूअर किया गया है कि अगर अपनी ही कोई फिल्म आपको देखनी हो तो आप कौन सी फिल्म को चूज करेंगे सबसे पहले और क्यों? ये तो बहुत लोगों ने पूछा है, मतलब नंबर वन जुबान, नंबर टू एडमिटेड, नंबर थ्री लोनलीनेस, नंबर फोर द लास्ट डेट, और उसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा अगर मुझे। हाँ, मैं हर मेकर को फॉलो करता हूँ और उनका जॉनर फॉलो करता हूँ और स्टाइल ऑफ मेकिंग भी फॉलो करता हूँ, और यही हमारा काम है, अपना भी काम करना औरों का भी देखना ताकि कैसा चल रहा है। तो ये मेरी इस ऑर्डर में रहेंगी, जुबान, एडमिटेड, लोनलीनेस, द लास्ट डेट, और उसके बाद तो रैंडम ऑर्डर हो सकता है। हाँ, एज पर फिर टाइम एंड कन्वीनियंस ऑल्सो, समटाइम्स यू आर फीलिंग सो डाउन तो आपको कॉमेडी देखनी है, मैं लकी कबूतर देख लूंगा। सर रिसेंटली मैं देख रहा था काफ़ी डिग्निफाइड पर्सनालिटीज के साथ आपकी फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, फ्लूट हो रही हैं, ट्विटर पे देखा मैंने आपके, तो आपने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल शूट किया 2020। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द सेम। डिग्निफाइड पर्सनालिटीज की बात करें तो इसमें चंडीगढ़ के गवर्नर साहब थे, देन वी हैड CM पंजाब वॉज देयर, लेफ्टिनेंट कर्नल शेरगिल वॉज देयर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे पंजाब के, राइट। आपका जो एक्सपीरियंस रहा इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के साथ काम करने का, वो कैसा रहा, प्लस आप इनसे कनेक्ट कैसे होते हैं? मेरी कनेक्शन जो इनके साथ हुआ वो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल एसोसिएशन के थ्रू हुआ, क्योंकि सब लोग जुड़े हुए हैं। तो गवर्नर सर को तो फिल्म करने गए थे, और जो चीफ मिनिस्टर सर हैं उनकी तो फुटेज आई थी हमारे पास, फिर फाइनेंस मिनिस्टर सर और जनरल शेरगिल को भी हम फिल्म करने गए, ठीक है। तो इन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो एक्चुअली इन लोगों के साथ ये रहता है कि इन लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है और हमें सेटअप को बहुत टाइम लगता है, नेचुरली फिल्म है और शेडोज, लाइट, साउंड चेक, सारा कुछ चेक बिल्कुल करके, फ्रेमिंग सारा, शॉर्ट डिविजन सब करके हम बैठे होते हैं। ये लोग आते हैं, इनको पता रहता है, इनकी हैबिट क्या रहती है कि जैसे न्यूज़ को एड्रेस करने आ रहे हो, न्यूज़ जो मीडिया रहती है ना उनको, तो वो लोगों का कोई शॉर्ट प्लानिंग नहीं होती, उनका मतलब टाइम ड्रिवन काम होता है कि फटाफट किए और करना है क्योंकि सेम डे पंच करना है। तो हमारे केस में हमें हमारी फिल्म बन रही है, मतलब इंट्रो आ रहा है, सब आ रहा है, सब एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, बहुत अच्छा लगा। बट वो लोग थोड़ा सा, उनकी टीम ना बड़ी वो हो जाती है कि ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो उनको हैबिट नहीं है ना, उनको पता लगे कि फिल्म की शूटिंग टेक्स टाइम, कि एक एक शॉट को डिजाइन करना होता है ना। तो अच्छा लगा, तो गवर्नर सर के साथ भी अच्छा लगा, मतलब सबके साथ काम करके, एंड सब लोग स्पॉट ऑन है, अपनी नॉलेज है उनकी कंप्लीट, वो पूरे अवेयर थे इवेंट के बारे में, उनको क्या बात करनी थी, देवर ब्रीफ्ड वेल अबाउट कि हम वहाँ क्या करने आ रहे हैं, तो सब प्रिपेयर थे, तो उस केस में ना आसानी रही एक बार काम होने में, अच्छा लगा। नहीं सर, MLF से रिलेटेड तो हमारे पास एक किस्सा भी है। हाँ। जो अंदरूनी सूत्रों से ही हमें पता चला है। हाँ। तो ये हुआ क्या था कि हम लोग जब गए तो पहले बहुत कम टाइम था और गवर्नर सर आए फटाफट, ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, तो सर आए और हमारा पूरा क्रू और पूरी टीम सेटअप करके रखी हुई थी, पहले आके देखे, पूछे कि ये कैमरा ऐसा क्यों लगा है, वो ऐसा क्यों लगा है। आई थिंक वो एंथुजियास्ट हैं और उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक है। अच्छा। तो सर के साथ फटाफट पहले हमने अपना प्रोमो काउंट का पूरा क्लिप ले लिया, फिर उसके बाद सर के साथ एक पिक्चर होनी थी, और वो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होती है। बिल्कुल। तो ही मेड इट स्पेशल बाय सेइंग कि लेट मी हैंड यू ओवर द बुके, एंड दैट वाज रियली इट, मतलब वो बहुत अच्छा लगा उसमें, और आई मीन दैट्स अ मेमोरेबल मोमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा, वंस इन अ लाइफ टाइम होती है कि सर के साथ फोटो हुई और अच्छा लगा। गवर्नर साहब के साथ फोटो खिंचवाना तो खुद में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और फिर आप उनसे बुके भी ले रहे हैं तो चार चांद लगा देता है वो इस मोमेंट में ना। सवाल करने वाले पूछते हैं सर कि जब आप अपनी मूवी कोई रेडी करते हो कि आई हैव टू मेक अ मूवी, तो आप अपनी स्टार की कास्टिंग करते होंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या चीज आप सोचते हो अपना एक्टर चूज करने में, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखो सबसे पहले जब मैं लिखता हूँ वो कहानी है, पूरी फिल्म की प्लानिंग हो जाती है, और एक्टर को कास्ट करना लगभग एक लास्ट स्टेज पे आता है वो कॉल, जब सारी चीजें सेट हैं, टाइम ऑफ द ईयर सेट है, फिर आपने एक एक कैरेक्टर लिख लिया है, फिर आपके दिमाग में चलता है कि आपको किस तरीके के किरदार चाहिए, मतलब वो दिखता कैसे हो, उनकी क्या हाइट होनी चाहिए, किरदार क्या है और लेंथ क्या है, क्योंकि जब भी किसी कलाकार को आप बात करोगे तो उन्हें उनका रोल और उनका टाइम डिफाइन करना पड़ता है, कि वो पूछ लेते हैं साहब, कुछ लोग अच्छे उमदा कलाकार हैं, कि मेरे कितने सीन हैं फिल्म में। अच्छा। अब जब वर्कआउट ही नहीं किया हुआ कि कितने सीन हैं तो फिर कैसे बताओगे। अच्छा, और कुछ लोग तो जो बहुत हार्ड ऑन शेड्यूल होते हैं, मेरे कितने दिन का काम है,
अब वो आपको वर्कआउट करके रखना पड़ता है, आपको ऑलरेडी कि इतने दिन का काम है जी, इतने सीन है जी, और फिर पूछते हैं अच्छा मेरा कहाँ काम है, क्योंकि कभी कभार आप कुछ कलाकारों से बात करो वो शहर में होते ही नहीं है, वो कहीं बाहर हैं, वो बोल देते हैं मैं इंडिया में ही नहीं हूँ या मैं चंडीगढ़ में ही नहीं हूँ तो मैं आऊँगा ही इस तरीके को, तो कभी कभार आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही वहीं हो जाती है। कलाकार मुझे वो लगता है कि किसकी किस्मत में फिल्म आती है वो ये है कि जिसका कमिटमेंट लेवल उस फिल्म को लेके बहुत हाई हो, जो कमिट कर पाए कि हाँ ये डेट्स हैं और ये मैं काम कर सकूँ। और कुछ लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं, उनके पास ऐसे कोई डेट्स का इशू नहीं होता, बट वो काम को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हम काम थोड़ा करें पर बहुत अच्छा करें, तो वो लोग जुड़ जाते हैं क्योंकि हमने तो लिख दिया ना किरदार ऐसा होना चाहिए, उसको जीने का काम वो कलाकारों ने करना है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस चाइल्ड आर्टिस्ट जो भी हर लेवल की एज ग्रुप के जो लोग हमारे से जुड़ते हैं, तो वो अपने एक सेट पे एनर्जी लेके आते हैं और वो आपकी स्क्रिप्ट को बेहतर भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अपना इतना सालों का एक्सपीरियंस लेके, कुछ लोग न्यू कमर्स होते हैं वो फ्रेशनेस लेके आते हैं और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपना तजुर्बा लेके आते हैं, तो बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हैं कभी कभार आपको मतलब बतौर निर्देशक मुझे महसूस भी नहीं होता होगा कि यार इतना इंटेंस सीन था या इतना जितने युवा हैं कहते हैं खतरनाक सीन था, है ना, तो उसमें वो जान डाल देते हैं, वो मेरे को जो स्पॉन्टेनिटी है ना वो बड़ी पसंद आती है। नहीं सर, अगर हम सीन्स की और स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो आपने काफ़ी जॉनर्स पे काम किया है, सारी मूवीज देखें तो हर एक से अलग अलग हैं तो सोशल कॉजेज के लिए, बट फिर भी उनका जॉनर थोड़ा हटके रहता है, आपने कॉमेडी में भी वर्क किया हुआ है, तो आई थिंक आपके एक्ट्रेस को कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी भी चाहिए अगर उनको हर जॉनर में फिट होना है। हाँ ये तो है, देखो एक्टर तो मैं वही कहता हूँ ना पानी की तरह है, उसको किसी भी बर्तन में डाल दो उसने अपनी स्पेस बना लेनी है, ठीक है, थोड़े और उमदा कलाकार हैं वो हवा की तरह होते हैं, वो कहीं भी बह जाते हैं, कैसे भी मूड में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार आपको उन्हें एक दायरा देना होता है, क्योंकि अनुभवी कलाकार तो वही है ना या अनुभवी लेखक भी वही है ना जिनको आप कुछ दो दायरा तो दो तभी तो वो उसमें कुछ डालेंगे, कि बर्तन ही नहीं दोगे तो डलेगा क्या, तो वो बर्तन देने का काम तो आकार जो है वो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से अच्छे ढंग से कर लें ताकि उन्हें उनका प्लेग्राउंड प्रॉपर मिले, उन्हें भी स्क्रिप्ट की सीमा मालूम हो कि इसके बियॉन्ड जाना है इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। हर अच्छा कलाकार या हर अच्छा टेक्नीशियन ये एक ही बात बोलता है, स्क्रिप्ट की डिमांड है, स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो सारा ध्यान वहीं रहता है कि स्क्रिप्ट क्या है। पहले तो स्क्रिप्ट की डिमांड, और स्क्रिप्ट से मुझे याद आता है कि कुछ ऐसे न्यू जॉनर्स भी हैं क्या आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपने अभी तक एक्सप्लोर ना किए हों? नहीं, आई थिंक ड्रामा कर लिया है और एक्शन अनएक्सप्लोर्ड है अभी मेरे एंड से। हाँ, एक्शन नीड्स बजट, तो वी आर ग्रेजुअली हम बजट पे बढ़ रहे हैं, तो हम एक्शन अटेम्प्ट करेंगे और म्यूजिकल अटेम्प्ट करना चाहूंगा मैं, एक फिल्म जो म्यूजिक से ड्राइव हो एंटायरली म्यूजिक के थ्रू, या उसका कोई एसेंस होना चाहिए म्यूजिक का उसमें हैवी, वो मुझे लगेगा कि शायद अच्छा लगे। और थ्रिलर कर लिया है, कॉमेडी हो गई है। सर जो ऑडियंस फीडबैक इतना रहा है हमारा इतने सालों का, उससे एक चीज़ तो साफ है कि जो हमारी मूवीज़ हैं वो सोसाइटी को बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, तो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन भी बहुत गई है और एक सोशल कॉज की तरह हमारी मूवीज़ ने काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जो भी हमारी कोई भी फिल्म रहा है या तो वो एक रिफ्लेक्शन है या वो किसी डेफिशिएंसी पे हाईलाइट करेगी, मतलब क्योंकि हम क्योंकि खुद एक सामाजिक हैं, अकेले में तो रहते नहीं कहीं पहाड़ पे कि बस उतने ही वो ही बनाएंगे, है ना, तो जो लोग मूव करते हैं कोई ना कोई चीज़ लगते हैं कि हाँ इस चीज़ में हमें कहानी मिली है या कोई ऐसा कोई ह्यूमन सब्जेक्ट मिला है जिसने बेहतरीन काम किया है, अब चाहे वो हंसाने लायक हो, कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशंस या वारदातें हो जाती हैं जो हंसा हंसा के पागल कर देती हैं, तो वहाँ से इंस्पिरेशन आ जाती है कि हाँ कॉमेडी बननी चाहिए, या कोई ना कोई हमारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसमें लगता है कि नहीं यार इस आदमी ने जो काम किया ना वो हिम्मत का काम है और ये कहानी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। इसलिए आप देखो इतने टाइम में बहुत एक दौर आया बायोपिक्स ही बन रही हैं, अब एक टाइम आया कि बायोपिक बननी बंद हो जाएंगी क्योंकि सोसाइटी को उनका रियल लाइफ को हीरो ही नहीं मिल रहा, सोसाइटी हीरोइज्म को समझ ही नहीं पा रही अब। बिल्कुल ज़रूरी नहीं हमारे घर में शायद हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई घर का कोई मेंबर ही होगा जो इसने पूरे परिवार को समेट के रखने का भी बहुत बड़ा काम किया, तो वो एक पर्सनल लाइफ का हीरो हो जाता है, तो अपने अपने
किस्से होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हम तो एक अच्छी कहानी बनाएं। हाँ, उसमें एक एसेंस जरूर होता है जो एक समाज की एक रिफ्लेक्शन उसमें जरूर होती है, तो लोगों को लगता है कि वो एक समाज को दिए हैं हमने। हमने एक्चुअली समाज को देना तो है ही है, पहले समाज से लेके ही समाज को देना है, वही है। सो कह सकते हैं अगर इंग्लिश का व्याख्यान करें तो इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया के कुछ सवालों की तरफ सर बढ़ते हैं, काफी चटपटे सवाल भी आए हैं हमारे पास। मूवी निर्देशन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास चटपटे आए हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ के खुलासे भी कर रहे हैं यहाँ पे। बस सर ये हैं कुछ करीबी आपके जो हमें इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा ही एक चटपटा सा सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है ध्रुव सेहरा जी, और ये पूछते हैं कि सर आपकी खूबसूरती का राज क्या है। ये कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो पंगा लेते हैं आगे सोशल मीडिया पे, पर मैं बता दूं कि खूबसूरती का राज ये है कि मुंह साफ रखो, क्रीमें क्रूमें लगाओ, बस एक्चुअली में रियलिटी यही है। पर वैसे एक्सरसाइज करो और डाइट का ख्याल रखो, नेचुरल ग्लो नेचुरल ब्यूटी उसी से आने वाली है। सर एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है, मुझे याद है मैं आपकी स्टोरीज खुद भी फॉलो करता हूँ, तो मैंने हालांकि में कई बार देखा है आपको वर्कआउट करते हुए, जिम की स्टोरीज होती हैं, एंड देन आप कई अच्छे तरह का खाना भी बनाते हो, हेल्दी फूड्स आप कुक करते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है सब करने की। इंस्पिरेशन एक्सरसाइज का तो पैशन है ही है, जब कुछ नहीं करो तब भी कसरत करो, ठीक है। दूसरा, खाना बनाने का शौक काफी सालों से रहा है। अच्छा, तो पहले तो डाइट फूड तो कोई घर में बर्दाश्त करता नहीं है, तो वो अपना खुद ही बनाना पड़ता है, इस बहाने अपने आपको किचन में उतरना पड़ता है। फिर ये है कि मुझे लगता है कि जो फूड में ना एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो एक अच्छा मुझे लगता है फिल्म मेकर जो होता है ना, वो अपनी फिल्म में बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है, बिल्कुल, और वो हर बार सेम फिल्म भी मतलब वही फिल्म अलग तरीके से बनाएंगे, मतलब दोबारा सोचते हैं और क्या बेटर करें और क्या अच्छा करें। सेम रेसिपी तो है नहीं कि उस ढाबे पे गए वही दाल मिलेगी पांच साल, नहीं ऐसा काम नहीं है। तो वही कुछ ना कुछ इनोवेट करो, कभी जो भी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से बनाओ, वही नेचर इन वर्क है, वही नेचर इन कुकिंग फूड है। और ऐसा नहीं कि हेल्दी अनहेल्दी फूड भी मैं बहुत बनाता हूँ, तो अनहेल्दी खाना भी कभी कभी अच्छा रहता है। आपका फेवरेट इसके बारे में बताएं हमें। पिज्जा बना लेता हूँ और मतलब ब्रेड्स के साथ काफी चीजें एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। कभी हमें भी इनवाइट करें जल्दी, शामियाना लगाऊंगा, टेंशन मत लो। इनका यूजर नेम है जेसिका बी, ये पूछते हैं कि क्या आप अभी भी कोई ऐसे LGBT कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हो इन फ्यूचर, कोई प्रोजेक्ट जो आने वाला हो जल्दी, जैसे आपने एडमिटेड पे काम किया है। हाँ हाँ, एक फिल्म लिखी है हमने। अच्छा। जब कंट्री वॉज अंडर लॉकडाउन, तो एक फिल्म कंप्लीट की हमने लिखनी मतलब, और होपफुली इस साल या जब भी उसका प्रोजेक्ट सेट मतलब क्रिएट हो जाएगा, मतलब फिल्म प्रिंसिपली स्क्रीन प्ले इज डन। अच्छा, हाँ, और अब बस प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पे है, वो स्टेज पे प्रोजेक्ट अगर होगा तो इस साल डेफिनेटली होगा, और वो इंक्लूजन पे ही है। वो भी हाँ इंक्लूजन पे है, वो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, लिखा है, बनेगा, मतलब वेट करो, इमीडिएटली नहीं, थोड़ा टाइम लेके बनेगा। जेसिका जी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन LGBT कम्युनिटी के ऊपर जल्दी एक नया प्रोजेक्ट लेकर जरूर आएंगे। और एक और सवाल हमारे पास है सर, वो भी रिलेटेड टू एडमिटेड मूवी ही है। इनका यूजर नेम है दामिनी द ड्यू, और ये पूछते हैं कि आपने धनंजय जी के साथ जब फिल्म बनाई, तो आपने उनके साथ फिल्म बनाने का जो डिसीजन लिया वो कब और कैसे लिया? इसके लिए दामिनी जी आप हमने एक 100 days ऑफ एडमिटेड के ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम आया था कि फिल्म कैसे बनी, क्यों बनी, शुरुआत कैसे हुई, और वो सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया गया, और वो फिल्म कैसे रिलीज़ हुई, उसका पूरा एक प्रोग्राम है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आई थिंक इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में आ जाएगा, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपके सवालों का जवाब पक्का मिलेगा और बड़े अच्छी गहराई डेप्थ के साथ मिलेगा पूरा। तो ये लिंक YouTube और हमारी वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल मिलेगा, बिल्कुल। एडमिटेड मूवी की बात चल रही है, तो सर एडमिटेड से एक जुड़ा हुआ ऐसा पहलू भी है जो शायद दर्शक नहीं जानते, तो अगर हमें ये आपके सूत्रों से ही पता चला है, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। एडमिटेड के बारे में, एडमिटेड जब फिल्म बनी तो जर्नी, जब आप किसी की डॉक्यूमेंट करने जाओ तो कोई लेंथ नहीं आप प्लान कर सकते कि कितनी लेंथ की जर्नी बनेगी, क्योंकि जर्नी है तो है, लंबी जर्नी है तो लंबी जर्नी है, छोटी जर्नी है तो छोटी है। एडमिटेड का हमारे पास आर्काइव लेंथ जो है वो
लगभग 8 घंटे से ज्यादा की है। अच्छा। हाँ, इतने इंटरव्यूज ले गए, इतने लोगों से मिले और फिर इंफॉर्मेशन वैलिडेट करना, तो बहुत ज्यादा मैसिव कंटेंट है उसका अवेलेबल। पर फिल्म को एक टाइम में आपको पूरा करना है कि ऑडियंस को ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी रात बिठा के रखोगे फिल्म देखने के लिए, है ना, और उसको स्टोरी को स्ट्रक्चर करना, तो वो लगभग 8-9 घंटे के अराउंड से उसको पहला फेस्टिवल का कट बना 2 घंटे 16 मिनट का। अच्छा। फिर उसके बाद रिलीज करने पे जब फिल्म आई तो 2 घंटे से भी नीचे लाई गई ताकि ऑडियंस मतलब डटी रहे फिल्म देखने के लिए, वो कहीं ऐसा ना लगे उन्हें कि भाई अब बहुत लंबा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो जो ट्रांजिशन थी वो 9 घंटे से वो लगभग अंडर 2 आवर्स लाने की, वो जर्नी थी, मतलब वो दैट इज़ अ फैक्ट जो मैं ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि इतना डेटा था और यहाँ तक लाने में उसको ऑडियंस के लिए और बेहतर बनाने के लिए किया गया। नहीं सर, मैं तो ये भी कहूँगा कि इतना डेटा जो बेहतर किया गया है इसमें तो एडिटर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एडिटर के तो बाल ही उतर गए, एडिटर के तो बाल उतर गए, सफ़ेद हो गए, और मतलब बहुत अच्छा काम किया कि एक्चुअली सिर्फ एडमिटेड ही नहीं सी, मतलब सारी फिल्मों में एडिटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, एडिटर हमारे हैं, मतलब ही नोज कि भाई कैसे बिल्ड करना है, वो एक शीट पूरी जाती है और उस हिसाब से काम बहुत अच्छा होता है। फाइनल एडिट होकर जो मूवी आती है वो इतनी बढ़िया आती है कि सब उसकी सराहना करते हैं। आज तक एडमिटेड को इतने सारे यूट्यूब पे प्यार मिला है, अगर आप कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे तो हैट्स ऑफ टू द एडिटर्स। एंड सर, स्टोरी टेलिंग की अगर बात आए तो आप स्क्रीन राइटिंग भी करते हैं, आप कहानी लिखते भी हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपसे बेटर स्टोरी टेलर जो आपको बातों में उलझा ले और आपको कन्विंस कर ले, तो अगर कोई ऐसा आपकी नज़र में स्टोरी टेलर हो तो कौन है वो पर्सन? देखो, ऐसे तो मुझे लगता है कि मेरे से बहुत बेहतर राइटर्स हैं दुनिया में जो लिखते हैं, मैं तो शायद वही लिखता हूँ जो मैं बना सकता हूँ। मैं बहुत उस वे में मैं बहुत प्रैक्टिकल लिखता हूँ कि जितना मुझे मालूम है कैमरा की लैंग्वेज है, कैमरा की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं लिखता है उस हिसाब से हूँ। मैं बहुत फ्रीडम के साथ नहीं लिखता क्योंकि उस फिल्म को जब प्रोड्यूस भी करना है तो उसकी लिमिटेशंस को भी देखना है कि लिखो वही जो बन पाए। बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति है बातों में उलझा लेते हैं और वो कमलप्रीत सिंह है, ठीक है, वो मतलब दैट मैन, वो मुझे अपने सामने बिठाएगा, इतनी लार्जर देन लाइफ पिक्चर पेंट कर देगा और मैं सोचता रहूंगा कि मेरे पास कोई कारण बचता नहीं है कि मैं कमल को मना करूं। मैं उसको कहता हूं कि मैं उनको लिमिट्स दे नहीं सकता और वो मुझे अनलिमिटेड कर नहीं पाते तो बस वो जो हाँ पे सांझगांठ सेट हो जाती है तो मुझे कोई ना कोई स्टोरी लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, लेट अस टेक इट, हाँ लेट अस टेक इट। पर वो उनके साथ आप बैठो ना थोड़ी देर, वो पूरा ना मतलब एक वो है ना, जब कलर्स के साथ पूरे आते हैं एनर्जी के साथ, उनको है कि बस सेट पे ना बस इतनी लाइटें और इतने कैमरे होने चाहिए, मैं कहूँगा इतने लोग भी होने चाहिए, पर वो लोग कहाँ से रहेंगे, तो वो फिर भी सेज अच्छा तो ऐसा नहीं मैं सोचा सी, मैंने कहा तो सोचना पैंदा है। मैं आज माइक को एडजस्ट करके मालूम है फॉर्मेट तो कर दिया, उतनी सोच फिर माइक कैसे एडजस्ट होता है, कितनी कितनी देर लगे और कितने क्वेश्चन है, हेल्प करो यार थोड़ी, हम नई लाइन में आए हैं ना, कितने क्वेश्चन है जी सर जी, कैसे एडजस्ट करना है आपको माइक, ऐसा चाहिए कि सर की ना एक एक बात रिकॉर्ड करनी है, कुछ रह ना जाए जी सर जी, कुछ सब रिकॉर्ड होगा सर, सब वहाँ जवान एसएस का लैपटॉप है ब्रांडेड, माय टेस्ट 1 2 हेलो मरी मसल, अच्छा अच्छा ओके ओके, टेंशन ना लो सर, मेरा तो पीछे बहुत सर बिठा रखा, ओके ओके डन। फिल्म मेकिंग की बात करें तो अपने आप एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी जुड़े होते हैं, तो आपको एज अ फिल्म मेकर डायरेक्ट भी करना है, राइट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है, फिर लीगल भी सारा देखना है, आईटी भी देखना है, रिलीज भी देखनी है, प्रोडक्शन एडिटिंग सबके साथ आपने जुड़े रहना है, क्रू मैनेज करना है, कितना कुछ है, तो इतना कुछ करने के बाद भी खुद के लिए आपके पास टाइम बचता है? हाँ निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं, अभी भी मैं शूटिंग कर रहा होगा ना मेरा फोन बज रहा होगा पक्का, घर से ही फोन आ रहा होगा कि कब आ रहे हो, कब फ्री हो रहे हो, तो टाइम निकल जाता है। आई थिंक आप इतनी अच्छी टीम है, इतने सारे लोग हैं, इतनी अच्छी टीम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर मतलब हर जना अपनी अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, कलेक्टिव टीम एफर्ट है अब जो हम मिलके कर रहे हैं और इन चीजों को कर पा रहे हैं, सबको देखना तो पड़ता है बट काम कर लेते हैं जैसे जैसे हो जाता है। तो आप जो ये वक्त निकालते हैं उस वक्त में क्या करना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा? या सबसे पहले तो स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो आप इतना
आप जिंदगी की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हो ना कि यू वॉन्ट टू मेक लाइफ, अल्टीमेटली अपने लिए कितना आदमी जी लेता है, मतलब मुझे, मैं तो नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि लाइफ ही सारी फैमिली की है, मतलब आपकी अपनी है ना। वैसे ही मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, मतलब राधर आई वुड ड्राइव द कार माई सेल्फ है ना, और मतलब राधर देन हैविंग अ ड्राइवर एंड तो कोई ना कोई मिल जाता है, कहीं थोड़ी देर वैसे ही रुक के बैठ गए, कहीं खाने चले गए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो रिजुविनेट करे आपको एंड फिर आप दोबारा लिखो, और उस दौरान कुछ नया अनुभव हो ही जाता है और उसी अनुभव को फिर फिल्म में डाला जाता है। हाँ नहीं, ड्राइविंग करने की जहाँ तक बात करें, मैंने कई बार आपकी स्टोरीज देखी हैं जिसमें आप नाइट ट्रेल्स पे होते हो। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा स्टॉकर ना यही है, टीम टूम के तो नाम है, ब्लेम लगा रहा है कि यही स्टॉक कर रहा है। नहीं सर, सवाल है हमारे पास और भी जो टीम ने पूछे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये ना ये मुझे पक्का पता है, ये साजिश है, ये सूत्र जो है ना, ये सूत्रों के, ये सूत्रों के, बस इसने ना एक वो लेवल कर दिया सूत्र ना, करना पड़ता है। तो अक्सर हमने देखा सर नाइट ट्रेल्स में आप जाते हो, रेकी करते हो, और मुझे एक किस्सा भी याद आता है। आप मुझे एक दिन रात की बात है, लगभग 8-9 बजे का वक्त होगा, तो मैं 34 सेक्टर से निकल रहा था, तो गुरुद्वारे के बाहर मैंने देखा सर ने कार साइड में पार्क की है और सर ना कैमरा लेके बैन कर रहे हैं कैमरा को। तो मैंने कहा चलो मिलते हैं सर को, मैंने कार रोकी, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, तो पता चला कि रेकी चल रही है, कुछ नया होने वाला है। तो सर कैसा रहता है अक्सर कि नाइट ट्रेल्स भी हो जाते हैं और रेकी भी हो जाती है, तो मल्टीपर्पज ही हो जाता है सब कुछ? मूड बिल्डिंग कहता हूँ मैं उसको। अच्छा, मतलब मुझे कोई किसी गली या किसी किसी बिल्डिंग या किसी मार्केट या किसी मंदिर गुरुद्वारा किसी के भी आगे से निकलता हूँ। रेलवे स्टेशन के लिए मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जगह लगती है बस स्टैंड, तो मुझे सेम फ्रेम को या अलग अलग नजरियों से देखने का दिल करता है कि अगर ये फ्रेम मुझे दिखाना हो तो ये मेरी कहानी में कैसे ढलेगा। बिल्कुल। और अगर मैं बस अड्डे को या गुरुद्वारे को या मंदिर को देख रहा हूँ तो वहां पे होने क्या वाला है, सिर्फ फोटो ही थोड़ी खींच के चले जानी है, पेंटिंग एग्जीबिशन नहीं है, फिल्म है ना, फिल्म है। ये फोटो एग्जीबिशन नहीं है ना। तो अगर मुझे गुरुद्वारे का सीन लिखना है या मंदिर का सीन लिखना है या रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड, रोड का सीन लिखना है, तो मैंने सोचना है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे लिखना है। तो वही जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं ड्राइव थ्रू कर रहा होता हूँ, तो समटाइम्स मुझे घर भी जाना होता है, तो मैं रोज वो अपना कस्टमरी रूट नहीं फॉलो करता, मैं कोई और रूट फॉलो करता हुआ चला जाता हूँ, ताकि देखता हूँ कि आज क्या डिफरेंट मिलेगा मेरे को। वही है, यूजुअल चीज में भी कुछ अनयूजुअल ढूंढने की कोशिश रहती है। हाँ, तभी तो वो चीज इंटरेस्टिंग लगेगी, नहीं तो वो लोकेशन के आगे से तो आम आदमी रोज निकलता है, उसने उसको खास नजरिए से किस किस दिन देखना है, क्यों देखना है, किस कंटेक्स्ट में देखना है, वो सोचता रहता हूँ। म्यूजिक सुनता रहता हूँ बहुत सारा, बहुत म्यूजिक सुनता हूँ, तो फिर वो साथ साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाता है। तो हालांकि हमने देखा है अक्सर आपकी मूवीज में जो म्यूजिक होता है बहुत ही खास होता है, मूवी के बिल्कुल स्टोरी को, थीम को मैच करता हुआ आपका ओएसटी बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, तो जब आप अपनी मूवी में म्यूजिक को चूज करते हैं तो किन खास चीजों का आप ध्यान रखते हैं मूवी को, म्यूजिक को चूज करते हैं? यही सबके लिए तो बधाई के पात्र तो मुझे लगता है मेरे कंपोजर्स और हमारे पोस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन म्यूजिक की बहुत अच्छी रहती है, और हालांकि एवरीथिंग मेरे थ्रू रूट होता ही होता है, क्योंकि मैं ही देखता हूँ कंपोजर क्या बना रहा है, कैसे चल रहा है। जो मेन होता है वो इमोशन है, आई कीप इन माइंड द इमोशन। मतलब अगर मैं अगर निर्देशक की आंख पे पट्टी बांध दूं और उसको बोलूं कि डायलॉग और म्यूजिक सुनो, आपको इमोशन सेम ही वो हो रहे हैं, अगर वो हो रहे हैं तो वो म्यूजिक कामयाब है। म्यूजिक बहुत ओवर पावरिंग नहीं होना चाहिए, वो फील नहीं होना चाहिए कि वो है, फिर भी वो फील होना चाहिए, मतलब ये वो वाली बात है। मतलब इट्स ऑल अबाउट द इमोशन, अगर म्यूजिक अच्छा इमोशन दे रहे हैं, इमोशन ही तो है, म्यूजिक इज एन इमोशन। आप चलती गाड़ी में आप देखो, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तो गाने गुनगुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, या म्यूजिक है या कोई थीम है या कोई इंस्ट्रूमेंटल है, बैक टू बैक सुनते रहते हैं, वो उनके फेवरेट्स बन जाते हैं। तो म्यूजिक ना इटसेल्फ इज एन इमोशन, और मैं कोई गाने नहीं प्लान करता फिल्म लिखते टाइम। अच्छा। मेरा मेन फोकस ही उसकी स्कोरिंग, उसकी प्रोग्रामिंग की, भाई जितनी लेंथ है फिल्म की स्टार्ट टू एंड क्या मुझे ऑडियो में अवेलेबल होगा, वो फोकस रहता है। राइट। तो म्यूजिक की तो हमने चर्चा की ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यूअर्स के कुछ ना ऐसे सवाल भी होते हैं जो कहने को तो बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन टर्म्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक सवाल आया है जिसमें हमें पूछा गया है कि सर स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल और चेयरमैन में फर्क होता है। अच्छा ठीक है ना। तो स्क्रीन राइटर
को लिखना आता है कि स्क्रीन कैमरा इन एंड आउट्स के हिसाब से आपने पूरा विद डायलॉग कॉन्वर्सेशन लिखनी है, ठीक है, विद सीन सेटिंग, ठीक है। डायरेक्टर बेसिकली एग्जीक्यूट्स एवरी डिपार्टमेंट ऑन लोकेशन, ऑफ लोकेशन, प्री प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली फिल्म को डेवलप कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, डायरेक्टर का काम है। प्रोड्यूसर का काम इज रेजिंग इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एंड रेम्यूनरेशंस। तो बेसिकली जितना फाइनेंशियल और मार्केटिंग डिवीजन रहता है लार्जली, जिसको हम कहेंगे, और राइट्स मैनेजमेंट का काम, तो वो प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर और द प्रोडक्शन हाउस, वो उनका ज्यादा रहता है। करेक्ट। तो ये है मतलब, और ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन प्ले राइटर एक भी हो सकते हैं, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग की स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, क्या एक आदमी इतने रोल्स प्ले कर रहा है। अब तो फ्लूइड हो गया है कि आप राइटर ले लें, को राइटर ले लें, डायलॉग राइटर भी एडिशनल ले लें, क्योंकि आपको लिंग्विस्टिक हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। किसी ऐसी भाषा में फिल्म बना रहे हैं जहां कहानी तो आपने बांधी हुई है लेकिन भाषा आपको नहीं पता, बिल्कुल, जैसे हरियाणवी में बना ली, हिमाचली में बना ली, कहानी आप लिख ली, पूरा स्क्रीन प्ले रेडी कर लिया, बट डायलॉग में आपको हेल्प चाहिए, तो वो आपके फिर डायलॉग राइटर आ जाएगा, तो उसका भी एक सबसेट आ जाता है। तो ये जो लोग करते हैं वो समझते हैं, और फिर कर करके समझते हैं, और समझ समझ के करते हैं, तो ये ऐसा वाला काम है। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं आप फिल्में लिखने के लिए? इंस्पिरेशन माहौल से बहुत है। मैं मतलब बहुत पढ़ के या बहुत फिल्में देख के इंस्पायर नहीं होता कि मुझे क्या फिल्म बनानी है। मुझे लगता है कि स्टोरीज और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं। उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, और वही फिल्म होती है। एक हाई पॉइंट आता है, एक लो पॉइंट आता है, फिर ग्राफ पड़ता है, फिर उठता है, फिर जो एंड होता है ना वो क्लाइमैक्स होता है, वो सबकी जिंदगी में क्लाइमैक्स आता है। तो लाइफ की जो रियल स्टोरीज हैं, आसपास का एनवायरनमेंट है, वो मुझे बहुत इंस्पायर। तो एनवायरनमेंट आपको एक सोर्स भी बनता है आपकी मूवी के लिए? हाँ, भरा पड़ा है यार, बहुत किस्से हैं। तो आपने कैसे शुरुआत की थी? आपने थिएटर से शुरुआत की थी या मतलब क्या आपको इंस्पायर किया एकदम शुरू करने? नहीं, मैंने मेरी लर्निंग ऑन द सेट रही है, थिएटर नहीं की है। थिएटर एज एन एक्टर आपको ओपन करेगा ज़्यादा, और क्योंकि थिएटर के जो एस्थेटिक्स हैं वो ऑल टुगेदर एक डायमेंशन के एस्थेटिक्स हैं, कि ऑल टुगेदर आपको सबके सब हेड टू टो नजर आ रहे हैं, सारे सीन हेड टू टो नजर आ रहे हैं, बैकड्रॉप भी उस वक्त नजर आ रहा है, फोरग्राउंड भी नजर आ रहा है, तो ऑडियंस जो है वो पूरी चीज़ों को टोटेलिटी में देखती है। बट फिल्म की एक टर्म होती है POV, पॉइंट ऑफ व्यू। आँख है तो भी आँख है, फिर पीछे कुछ नहीं दिखेगा। मतलब गोली का शॉट है तो गोली का शॉट है, मतलब फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो लोगों को उस दिशा में लेके जाने का काम, वो कैमरा एक बड़ा एक ना खतरनाक चीज है, मैं उसको कहता हूँ कि कैमरे पे तो जो आदमी वैसे असल जिंदगी में वैसा नहीं दिखता, वो कैमरे पे दिख जाता है। तो कैमरे की अपनी दुनिया है, वो स्टेज लाइट और बहुत चीजें हैं कैमरे की, उसमें कोई भी चीज नहीं वर्क करती, आपके पास रीटेक्स के ऑप्शन है। और फिर मैंने फिल्म भी की थी द डाइकोटोमी ऑफ होप, वो एक ओड थी थिएटर लाइफ को, तो उसकी एक लाइन थी कि जिंदगी और रंगमंच में रीटेक्स नहीं होते, जिंदगी और रंगमंच में कभी रीटेक्स नहीं होते। है ना, मतलब एक जो शॉट दे दिया तो वही है। पर सिनेमा और फिल्म जो हम बनाते हैं उसमें रीटेक की अपॉर्चुनिटी रहती है, कभी कभार नहीं भी रहती, वो कुछ वो भी हालात आते हैं, बिल्कुल। बट ज्यादातर है कि आप जो भी दें अपना बेस्ट शॉट दें, उसके लिए आप एम्पल ट्राई करें। तो ये तो थी फिल्मों की बात। हाल ही में सर हमने देखा आपके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, तो पॉडकास्ट में हमने देखा आप एक से एक चुन के गेस्ट को लेके आते हैं, आउट ऑफ द लीग ही होते हैं आपके पॉडकास्ट के गेस्ट। तो काफ़ी वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को किसी ना किसी वे में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो आप अपने पॉडकास्ट के गेस्ट को कैसे चूज करते हो? पॉडकास्ट के लिए जो भी हमारे वरिष्ठ, जिनको कहूँगा कि जो गेस्ट रहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने जीवन में किया है, मतलब उनके जो भी काम है उससे समाज को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, मतलब समाज में वो कुछ बदलाव लेके आए हों, या समाज को कुछ दिया हो, या उनके पास नॉलेज इतनी है जिससे समाज को बहुत फायदा होगा अगर वो उनसे सीखें। अच्छा। तो चाहे वो आर्मी से हों, चाहे वो एजुकेशन से हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट की भी बहुत कैटेगरीज हैं, चाहे वो फिटनेस और जिम हो, चाहे वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप पे हों,
कॉमेडी हो, स्टोरी राइटर हो, बहुत जितने भी इंस्पायरिंग जर्नीज हैं जिनको हम लाना चाह रहे हैं कि उनकी कुछ मोटिव्स को लेके या उनकी कुछ स्टोरीज को लेके कैसे लोगों को वो उन तक पहुंचाया जाए, तो वो हम करते हैं और ये लोग मिल जाते हैं। बाकी टीम रिसर्च भी करती है। अब जितने तुम्हारे ये सूत्र है जो तो खबरें दे रहे हैं, है ना, ये दे रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो ये सब ढूंढ के लाते हैं अच्छे से, लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। सर, जो आपके पॉडकास्ट होते हैं, अगर कोई इंसान इनमें जुड़ना चाहता है, उनका हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? तो उसके लिए बेसिकली हमारे ईमेल पे आप लिख सकते हैं, नीचे कमेंट्स में आप डाल दें, तो रिसर्च टीम हमारी आपके साथ कनेक्ट कर लेगी। मतलब आप अप्रोच करें, अब हर आदमी, हमें नहीं पता हर व्यक्ति कि वो क्या कर रहा है, तो अगर लगता है कि भाई उनके पास कुछ है, रिसर्च है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है जिसका वो फ़ायदा जिनका मतलब जिसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है चैनल के पॉडकास्ट के थ्रू, तो और ऑडियंस को भी फ़ायदा लगे, तो वो टीम असेस करके आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और डेफिनेटली हम लोग इंकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिक भाषाओं के साथ, अधिक सब्जेक्ट्स के साथ, अलग अलग डोमेन फील्ड्स के साथ संपर्क में आएं और हमारा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। तो आरएफई पॉडकास्ट में आने के लिए आप सर को ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो ये तो थी सर पॉडकास्ट की बात। अभी जो अंदरूनी सूत्रों के बारे में आप बात कर रहे थे, उन्हीं से हमें एक और किस्से के बारे में पता चला है जो हम आपसे। अंदरूनी सूत्र इतने खतरनाक लगते हैं ना, अंदरूनी सूत्र जैसे पता नहीं मैं क्या। हाँ सर, आप ही का गुरु है, खबरें मिल रही हैं हमें। हाँ, इसके अलावा और जरियों से भी लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करते ही होंगे। हाँ, मतलब वो बहुत फोन करते हैं और अभी हाल ही के दिनों में मेरा नंबर इतने लोग को, तब हर एक का फोन का जवाब नहीं भी दे सकते, तो वो कंप्लेन भी डाल देते हैं, मेरा हाल ही में नंबर ब्लॉक हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं व्हाट्सएप चला रहा, तो वो कहते हैं यू कांट यूज दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप एनीमोर, तो बिकॉज योर नंबर हैज बीन ब्लॉक। अच्छा, तो मैंने कहा यार, मैं व्हाट्सएप को फिर मैंने कंप्लेन लिखी कि नंबर क्यों ब्लॉक किया है, बट अभी तक जवाब आएगा तो ठीक है, फिर वो अकाउंट शिफ्ट किया। तो मुझे लगता है हर एक आदमी को शायद मैं नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ या उनको नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, तो उल्टी सीधी उनके अंदर वो जो भरते हैं कि मुझे जवाब नहीं मिला, तो वो उस चक्कर में ब्लॉक ही करवा देते हैं। टाइमिंग सर से पूछो कितने बजे स्पैम किया बंदे ने, सुबह 5:30 बजे, मतलब लोग सुबह उठते साथ भी हमें याद कर रहे हैं। स्पैमिंग नहीं, वो मैसेज आते हैं, मतलब अप्रोच की असलियत तो वैसे मुझे पता है। हां, क्या है वो किस हिसाब से वो अप्रोच करते हैं, कैसे कैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके। हां तो नहीं, कुछ लोग ये तो मुझे भी पता है, ये खबर तो हमारे पास भी आई थी। एक्चुअली कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना, मतलब वो करने की, तो लगातार गुड मॉर्निंग आते रहते हैं, गुड मॉर्निंग आते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं। तो आप जवाब देते हो सर इन मैसेजेस? नहीं, एक्चुअली मुझे पता लग जाता है कि मतलब मैं एक आध बार शायद कोशिश करता हूँ और उनको लिख देता हूँ कि अगर आपका कुछ भी आपने पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो। तो अगर मुझे लगता है उसके बाद भी वैसे ही मतलब डटे हुए हैं, तो फिर वो वैसे ही डटे रहे। कभी ऐसे भी होते हैं कि आपको कोई नंबर ब्लॉक करना पड़ गया, किसी ने इतना तंग कर दियो। हाँ, ये की है, ये एक्चुअली उन लोगों को करता हूँ कभी कभी जो बहुत ज्यादा मतलब अननोन नंबर होते हैं, वो आपको वीडियो कॉल करते रहते हैं और बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं कभी कभी, तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है। फिर वीडियो कॉल की तो हमारे पास स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, 18-18 मिस कॉल आ रही है वीडियो में, वो भी आधी रात को, और पता नहीं आप कैसे हैंडल करते हैं। मतलब मैं नहीं, फोन साइलेंट पे होता है, देखो रात को तो कितना ही बंदा करेगा ना। आप जैसे अभी हम शूटिंग पे हैं, तो आप घर पे हो, आप लिख रहे हो या काम कर रहे हो, तो नहीं आप उठा सकते, तो कुछ टाइम है, अगर उस टाइम के दौरान करें तो बेटर रहता है। तो एक किस्सा है सर जुबान फिल्म से रिलेटेड। ये किस्सा है, तो जुबान के सेट पे कुछ ऐसा हुआ था जो शायद जिन्होंने जुबान देखी भी है उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, तो सब जानना चाहते हैं क्या किस्सा है सर ये। जुबान में एक किस्सा नहीं था, अच्छा दो किस्से थे। ठीक है, मतलब वो इतनी इंग्रेव्ड है ना, मतलब वो फिल्म का एक एक मोमेंट, एक एक शॉट। पहला तो ये था कि जब फिल्म में एक सीन आता है, मतलब सीन नंबर 3 है फिल्म का, उसमें मतलब कुछ यंगस्टर्स हैं, उनमें आपस में भिड़त हो गई है, तो वो लड़ रहे हैं और एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो ना एक्चुअली जस्ट नेक्स्ट टू द हाईवे वो प्लॉट लिखा गया था, और वो वहीं पर हमें फॉर्चुनेटली लोकेशन भी मिल गई और हम वहाँ पे फिल्म कर रहे हैं। तो
पुलिस आ गई, एक्चुअल पुलिस आ गई. तो जब जब पुलिस आई गई तो फिर मैंने अपने प्रोडक्शन हेड को पूछा, मैंने कहा कि पुलिस तो हमने कॉल ही नहीं की थी सीन में, तो पुलिस कैसे आ गई? तो ना वो चलते शॉर्ट में मेरे पास आके कार में कहता है सर ये असली वाली है. तो तो इट वाज अ सरप्राइज यू कैन से, क्योंकि एक्चुअली सीन जो एनेक्ट हुआ ना वो इतना रियल था. मतलब कि हाईवे पेट्रोलिंग एक्चुअली कहीं भी शूटिंग हो रही हो तो पुलिस रुकती है और देखती है कि हाँ इफ थिंग्स आर इन ऑर्डर, कि कहीं लोग कुछ पंगा तो नहीं कर रहे. तो फिर वो मिले, उनको पता लगा शूटिंग हो रही है और हमारे पास पूरे पेपर वर्क था तो थिंग्स वर फाइन. बट एक बार जो एक्टर्स है ना उनको तंगरा गए कि पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई. तो दूसरा किस्सा तो और भी मजेदार था. अच्छा। तो हमारे माननीय एडिटर साहब ने पूरी फिल्म देख ली डार्क रूम में बैठ के इतना मॉनिटर लगा के. वो देख के कहते ना सर इसमें ना एक कनेक्टर शॉट चाहिए हमें, कनेक्टर शॉट. अब डिमांड आई है तो फुलफिल करेंगे हम. तो हम आधी रात को चले गए अब गांव में और वहां पे देखा कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है पूरे विलेज को कैप्चर करने का. देखा वहां पे एक टैंकी है पानी की. अच्छा. पानी की टैंकी देखी ऊपर और उसको टैंकी का जो रास्ता जाता था ना वो कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर बने हुए थे उनके बीच में से रास्ता होके जाता था और कोई वे आउट था नहीं. ठीक है. और जहां पे टैंकी थी वहां आसपास पिच डार्क है. तो मैं और मैंने कहा आपकी डिमांड आई है तो आप साथ ही चलेंगे अब हमारे. तो हम दोनों गए और ऊपर चढ़े. अब जैसे चढ़े तो सीढ़ी ऐसे घूम के स्पाइरल होके जाती है. ठीक है. ठीक है. और जो स्पाइरल होके जो सीढ़ी जा रही है उसके साइड में कोई सपोर्ट तो है नहीं. तो एक तो हवा चले. अच्छा। ऊपर से हम अंधेरे में चढ़े. ठीक है. तो बचत के लिए क्या टॉर्च जलाई गई, मतलब टॉर्च नहीं क्या मोबाइल की लाइट जला दी. तो नीचे गांव में लोगों ने स्पॉटिंग कर ली. तो ने कह रहा था ना सर आपको स्पॉटिंग होती तो कैसा लगता है. तो उन्हें क्या लगा कि रात को कोई चढ़ रहा है तो कोई छलांग ना मार दे कुछ वो ना कर दे. तो उन्होंने आवाज मार मार के चींचे के सारे घर और थोड़े लोगों को इकट्ठा कर लिया. शुक्र है मुझे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. अच्छा. तो फिर हम ऊपर गए और एक टांग कांप रही है. मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा भास्कर जी आप मुझे पकड़ के रखो. फिर हमने फटाफट शॉट लिए वहां से. ठीक है. और फिर नीचे उतरे. फिर नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर क्यों आ करने गए थे, किससे पूछ के चढ़े थे. तो पूरी हमारी जांच पड़ताल हुई, उनको समझाया, फिर उनसे बातचीत हुई. तो उसके बाद फिर अच्छे से निकले. मतलब पर वो दैट वाज अ टाइम एक्चुअली छत पे चढ़ना आधी रात को ना टंकी पे, वो एक एक्सपीरियंस था. हाँ सर ये तो बहुत ही तिरंगी किस्सा था. मतलब आधी रात का वक्त और दो लोग चढ़ रहे हैं टॉर्च लाइट लेके टंकी पे, टॉर्च नहीं फोन की लाइट. चलो कोई नहीं, एनी एनकरेज किया ये सर ने, सारे ताड़ी मार दो. ऐसी और कोई बढ़िया से किस्से सुनाओ सर. आज तो किससे सुनने का मन है सबका. किस फिल्म का सुनना है ये बता. किस फिल्म का सुनना है सर. मुझे गारंटी पता है इसके सूत्रों ने, इसने इतनी फिल्में देखी भी नहीं है. ये वाला कट कर देना. इसकी खास क्या लाज है, इतनी फिल्म तूने देखी क्यों नहीं. देखी है मैंने, देखी है. और कोई मजेदार किस्से हो सर. वो जुबान भी था. एक तो कमलप्रीत जब आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि पाजी ये पिक्चर तो थोड़ी सी लिखी है ना, कमाल लिखती है. मैंने पहनना क्या है इसमें, मैंने बोलना क्या है. अच्छा। मैंने कहा इसमें बस दो काम है जो आपने नहीं करने, एक तो अच्छा पहनना नहीं है और बोलना तो बिल्कुल ही नहीं है. पहले तो वो नाराज ही हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्हें एक घंटा समझ नहीं आए बात क्या करनी है. तो फिर व्हेन ही अंडरस्टूड द स्क्रिप्ट वंस अगेन देन ही सेड कि ये पिक्चर मैंने करनी है. मतलब एक होता है ना कि मैं बोलूंगा, मैं लाइनें याद करूंगा और पूरी पिक्चर में आपको समझ में आया कि आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है. तो वो फिर उनका था. लास्ट डेट में बड़ा मजेदार किस्सा था, उसे सुनाऊंगा. तो अभय आए और हम पूरा फील्ड्स में वॉक कर रहे, शॉर्ट प्लानिंग चल रही. तो ही वाज सो, मतलब इतने वेल ग्रूम वेल क्राफ्टेड पहुंचे. और फिर इन दी एंड उनको फिर खेतों में काम करना था. अच्छा। तो खेतों में काम कर करके ना मेरे को जब शूट खत्म हुआ तो उनका मुझे फोन आया, कहते कि मेरी इतनी टैनिंग हो गई जा ही नहीं रही है. तो सेम कमलप्रीत के साथ भी हुआ, उनको मेकअप नहीं कराया हमने. हमने कहा कि आप ना घूमो. अच्छा. तो आपकी जो असली लुक आएगी ना वो मुझे फिल्म में चाहिए. तो एक्चुअली इतने अच्छे एक्टर्स परफॉर्मर्स हैं कि आप उन्हें मतलब कह नहीं सकते. मतलब कि दे सरेंडर देमसेल्व्स टू द फिल्म और
इन दी एंड शायद उनका ट्रस्ट है कि मतलब उनको लगता है कि नहीं पिक्चर इन दी एंड बहुत अच्छी उठ के आएगी. तो बहुत लोग बहुत फिल्मों में साथ हुआ है. जेएस लाइव हमने फिल्म की, उसमें जगदीप ने बहुत रिस्क प्ले किया बट पिक्चर इन दी एंड वर्क की. तो मुझे लगता है कि अच्छा है, सब फिल्मों में कुछ ना कुछ किस्से हुए ही हुए हैं. मेरा तो ये मानना है सर कि किस्सों की तो कोई कमी होगी ही नहीं. ना, ना. किस्से तो जितने सुन लो उतने ही कम है. नहीं, कुछ ज्यादा भा जाते हैं तो उनकी फिल्म बना देते हैं. सर 2021 की अगर बात की जाए तो काफी उम्मीदों का साल है, खास करके दर्शकों को आपसे तो बहुत ही उम्मीदें हैं कि बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला होगा, ढेर सारी अनाउंसमेंट्स होंगी. तो कुछ खास अनाउंसमेंट हो तो बताओ हमारे दर्शकों के लिए. एक जो है आई थिंक वो अक्षय ही बताएं तो बेहतर रहेगा. सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज, पॉडकास्ट, टॉक शोज, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर. और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है, आप जाओ कंटेंट का आनंद लो. इसके अलावा भी अगर लाओ लाओ दिखाओ क्या नहीं है, पकड़ाओ जरा. अरे कौन लाओ 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 लाओ. ये स्पेशली हाँ दिखाओ ऑडियंस को. थैंक यू सो मच. This is specially for me, like camera में भी. मेरे आगे आए दिखा दे. सर बताओ कुछ इसके बारे में ऑडियंस को. Since हमारा जो भी कंटेंट है वो फ्री है देखने के लिए, और भी हम कुछ मजेदार लेके आए हैं, वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज. और उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा. ये सारा मर्चेंडाइज लेने के लिए आप RFE के ऑफिशियल स्टोर पे जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, एंड RFE की टीम मर्चेंडाइज को खुद अपने हाथों से पैक करके. और हम कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, ये सारी हमारी टीम पैक करती है, आपको भेजती है, आपको भेजेगी. बस इसे इसे अभी यहाँ से गायब कर दिया जाए फटाफट. सर ये तो सब हो गया मर्चेंडाइज जो आप दर्शकों के लिए लेके आ रहे हो, इसके अलावा भी कोई खतरनाक सी चीज अनाउंस करो भाई सबके लिए. देखो इस साल बहुत चीजें लाइंड अप है हमारे पास. हमारा फिल्म फेस्टिवल लाइंड अप है, टॉक शोज लाइंड अप हैं, फीचर प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं, फिल्म्स लाइंड अप हैं. तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया लेके आएं, जो 2020 में कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो 2021 में कैरी फॉरवर्ड करें उसे, और नए प्रोग्राम्स को लेके आएं, नई नई चीज़ें क्रिएट करें. और दर्शकों को इस साल काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारा हम ऑडियंस कनेक्ट प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, पॉडकास्ट भी हम लेके आ रहे हैं, और मतलब वही मैंने बता दिया कि लॉट ऑफ थिंग इज लाइंड अप. तो इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है 2021. भाई 2021 जैसा कि सबको उम्मीदें हैं बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है RFE की तरफ से. ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें. और सर आज सांस ले ले तू थोड़ा. आई होप काफी सारे जो भी हमारे दर्शकों के सवाल आए हों उनका मैं जवाब दे पाया हूँ आज को जसवी के इस एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड बने रहें और आने वाले प्रोग्राम्स हमारे रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट पे जरूर देखते रहें. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आज को जसवी. हालांकि घूमते हुए कहीं पे भी तुम बताओ कोई हमें स्पॉट स्पॉट करता है कि नहीं. मुझे होता तो होगा सर बिल्कुल, स्पॉटिंग तो इट्स समथिंग दैट इज इन. तो आप कैसे अपने आप को खुद से बचा के रखते हो कि लाइक मैं बता दे बेटा. अरे मुझे खुजली हो रही है. अच्छा मुझे लगा क्यों दे रहा है इधर से पार्टी दे रहा है यार. अच्छा अच्छा ओके. लकीली ऐसा होता है कि जितने मर्जी अवार्ड्स आ जाए हम उनको फिट कर ही लेते हैं. तो जब आप पोस्टर बनाते हो उस टाइम पे आप डिसाइड करते हो कि अवार्ड आएंगे तो इनको यहाँ लगाया जाएगा या ये कुदरती हो जाता है. नहीं पोस्टर शूट अपनी जगह ठीक है, मतलब वो पोस्टर्स क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, तूने क्या करवाया उसको. ओ ब्लर दे रहा कैमरा कहीं पे टैप कर देना उसको. टैप कर दो मुझे स्टॉप करके री रिकॉर्ड कर. ये तुम्हारा जिधर लाइट सोर्स है ना, इधर लाइट सोर्स है ना, ये लाइट क्लिक कर दे. दबाए रख इसको एक मिनट. ए ई लॉक आ जाता है इसमें, फिर वो ए ई लॉक करना पड़ेगा सर. ए ई लॉक करना फ्रंट तो मैं मेरे ख्याल से नहीं आएगा. ठीक है रोल कर दे कोई बात. पैटर्न नहीं किया सर, सारे ब्लर ही आ रहा था. पैटर्न नहीं किया रूलिंग साउंड. आई यू डांस कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो.
अरे यार सर आ रहे तो मैं दोबारा बैठ गया बैठ गए ठीक है यार जो कोई बात नहीं आप लोग चलो मैं भी उसे कोई वो चाहिए होगा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो किसी को किसी मैं तो सर बच्चा कोई बात नहीं सर थोड़ा सा देर हो जाए सर थोड़ा सा जी सेटिंग चल रही है ये खबर तो हमारे पास भी आई थी अच्छा आवाज तो देखा 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 नहीं ठीक है बोल बोल कर 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 देखा दे सच्चाई सच्चाई तो मुझे पता है बोल बोल ये तो मुझे भी पता है इस बारे में हो गया डन कर दें पैकअप।